कर्मा हीलिंग के इस चैनल में आपका स्वागत है। मैं डॉक्टर मनीषा। दोस्तों, मैं अक्सर आपके लिए मंत्र, मुद्रा, स्विच वर्ड और अलग अलग तरीके के और भी रिचुअल्स लेके आती हूँ। और जब मैं बात करती हूँ मंत्रों की, तो मैं आपसे कहती हूँ कि 27 बार, 54 बार या 108 बार ही चैंट करें। आप में से कई लोग अक्सर मुझसे सवाल पूछते हैं कि मैम ऐसा क्यों, आप अक्सर 27, 54 या 108 बार ही चैंट करने को कहती हैं। आप कहती हैं 27 से कम ना करें, ऐसा क्यों है? जबकि हमारे बड़े बुजुर्ग या पंडित जी तो हमें कह देते हैं कि 11 बार भी कर सकते हैं, 21 बार भी कर सकते हैं। तो क्या वो लोग गलत हैं? नहीं, बिल्कुल नहीं, वो बिल्कुल गलत नहीं है। एक्चुअली उनका लॉजिक और मेरे लॉजिक में अंतर है। वो आपको इसलिए कहते हैं क्योंकि उनको पता है कि आपकी लाइफ बहुत भागदौड़ भरी है, और भागदौड़ भरी इस लाइफ में आप कुछ भी नहीं करेंगे। तो कुछ भी नहीं करने से कुछ करना इज़ बेटर, कहते हैं ना, समथिंग इज़ बेटर देन नथिंग। वही लॉजिक उनके पास है। एटलीस्ट आप जब 11 बार सोच करने के लिए कहा जाता था, आप कहते हैं ओके ये तो यूँ हो जाएगा, 21 बार करने के लिए हाँ हाँ बहुत आसान है, हाथ में गिन लूँगी और हो जाएगा। लेकिन ज़्यादा की फिगर में आपको गिनने में प्रॉब्लम आएगी। 108 में आपके पास माला होती है, आप कर लेते हो, लेकिन बाकी फिगर्स में आपको गिनना थोड़ा मुश्किल लगता है, तो आप छोड़ देते हो, आप अपना डेडिकेशन के साथ मंत्र नहीं करते। तो उन्होंने उसका ईजिएस्ट वे से निकाला कि आप 11 बार या 21 बार चैंट कर लो। कभी कभी ऐसा भी होता है कि कुछ लोगों को कुंडली देखने के बाद पंडित जी कहते हैं कि 28 बार या 24 बार या 51 बार चैंट कर लीजिए। इसलिए कहते हैं क्योंकि हर वर्ड या हर नंबर का एक वाइब्रेशन होती है, एक फ्रिक्वेंसी होती है। हर प्लैनेट का भी एक नंबर होता है, और जब आपके में किसी प्लैनेट का दुष्प्रभाव हो रहा होता है या उसका प्रभाव कम मिल रहा होता है आपको, तो पंडित जी उस सर्टेन फिगर के नंबर को आपको चैंट करने को बोलते हैं। जैसे 28 बार बोला अगर आपको चैंट करने के लिए, तो आपके कुंडली में 100% एक नंबर का जो प्लैनेट है उसका प्रभाव कम आ रहा होगा। तो पंडित जी ने आपसे कहा कि आप 28 बार चैंट कर लीजिए, ताकि एक की गिनती आपके चैंट में शामिल हो जाए। अब आप कहेंगे एक की गिनती शामिल हो तो एक ही बार मंत्र क्यों ना बोल लें? तो देखिए, आपका डेडिकेशन भी तो बहुत चीज़ है। एक बार तो कोई भी नहीं बोल ले, किसी भी चीज़ को करने के लिए थोड़ी मुश्किलें तो दी जाती है ना, इतना भी आसान नहीं किया जाता। बड़ी चीज़ पाने के लिए हमें थोड़ी मेहनत करनी पड़ती है, इसलिए हम उस तरीके से काम करते हैं, इसलिए मैं पंडित जी उस तरीके से काम करते हैं। लेकिन मैं आपसे जब कहती हूँ कि 27 बार, 54 बार या 108 बार ही किया कीजिए, तो मैं आपको एस्ट्रो साइंस में आपकी कुंडली देख के नहीं कह रही हूँ, मैं एक जर्नल फिगर में कह रही हूँ। जब मैं किसी मंत्र का आपको प्रभाव बता रही हूँ कि इसके चैंट करने से ये होता है, तो मैं एक जर्नल बात कर रही हूँ, मैंने आपकी कुंडली नहीं देखी। तो जब मैं जर्नल बात करूँगी, तो मैं एक ऐसा नंबर आपको दूँगी जिस नंबर को सबसे अच्छा माना जाता है। और न्यूमरोलॉजी हो या एस्ट्रोलॉजी हो, दोनों में 9 नंबर सबसे अच्छा नंबर है। इसीलिए 108, 9 दुर्गे या 9 ग्रह माने गए हैं। 9 ग्रह को क्यों नहीं 3 या 4 किया गया, या 9 दुर्गों को 5 क्यों नहीं किया गया? क्यों 9 ही रखा गया? क्योंकि 9 नंबर सबसे शुभ नंबर है, सबसे मंगलकारी नंबर है, और ये मंगल ग्रह का नंबर है। तो जब आप मंगल ग्रह को एनहांस करते हैं, तो अपने आप चीज़ें बनने लगती हैं। मंत्र का प्रभाव प्लस आपने उसके साथ मंगल ग्रह का प्रभाव मिला दिया, तो वो ज़्यादा तेज़ी से काम करता है और आपका डेडिकेशन उस काम में बढ़ जाता है। इसलिए, और आप ये सोचिए 108 ही क्यों रखा गया है जाप में, या 108 के साथ साथ हम कई बार बोलते 108 या 1008 इस फिगर में चैंट करिए, ये मंत्र इस तरीके से सिद्ध हो जाएगा। क्यों सिद्ध करने के लिए कोई और नंबर क्यों नहीं? 108 या 1008 या 108 ही क्यों? क्योंकि ज़ीरो की कोई वैल्यू नहीं है, और जब हम 1 और 8 को प्लस करेंगे तो 9 नंबर बनेगा, इसलिए 9 नंबर का प्रभाव लिया गया। और जब आप 108 को हाफ करेंगे तो 54 बनेगा, और जब 54 का हाफ करेंगे तो 27, और जब आप 54 में 4 और 5 को प्लस करेंगे, 5 प्लस 4 करेंगे जब, तो फिर अगेन 9, और 27 में 2 प्लस 7 करेंगे तो अगेन 9। तो आप समझ सकते हैं कि 108 इजिकल टू 9, 54 इजिकल टू 9, 27 इजिकल टू 9, मतलब तीनों फिगर में मैंने 9 के प्रभाव की बात करी, ताकि मंगल ग्रह का प्रभाव आपके
कुंडली में बढ़े और हर काम शुभ होना शुरू हो। और जो भी मंत्र आप चैंट कर रहे हैं उसका उसके साथ अगर आप मंगल का प्रभाव बढ़ा देते हैं तो आपके मंत्र का चैंट की शक्ति बढ़ जाती है और आपका डेडिकेशन बढ़ जाता है और उसके उतने जल्दी आपके विश के पूरे होने की संभावनाएं बढ़ जाती हैं। तो शायद अब आप क्लियर हो गए होंगे कि मैं क्यों आपको 27 बार 54 बार या 108 बार जाप करने के लिए बोलती हूँ। उम्मीद करती हूँ इस लॉजिक से आप अपने जीवन में खुशहाली लाएंगे, इसी लॉजिक को हर मंत्र के साथ अपने जीवन में अपनाएंगे। इसी उम्मीद के साथ कि आप स्वस्थ रहेंगे, मस्त रहेंगे, मैं आपसे विदा लेती हूँ।